बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको समोसे और रोल बनाना सिखाती हूँ। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। पीछे लेकिन मेरी शर्त ये है कि उम्मीद से ज्यादा अच्छे खानदान में उम्मीद बचता। लालू ये मैं अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी बहुत गर्म है। ये मैं आधी चम्मच मिर्चें डाल रही, मिर्चा का पाउडर, नमक आधा चम्मच, कुटा हुआ मसाला ये डाल रही। ये चिकन मैंने पहले उबाला है और उसके बाद मैंने काटा है, ये भी डाल रही। ये एक छोटा दरमियाने वाला प्याज, ये मैंने बारीक बारीक काटा, ये डाल रही। ये धनिया डाल रही हूँ क्योंकि फ्रीज हो गया। ये थोड़ी सी गाजर डाल रही। ये हरी मिर्च, बंद गोभी, खट्टा हो जाए, दो चम्मच डाल दी बस। चिली सॉस, ये मैंने कप, ये पूरा एक एक डाल रही हूँ और एक और डाल रही हूँ। मैदा है एक कप, दो कप मैं डाल रही हूँ। मैंने चुटकी एक नमक डाला, वो ना फिर मैदे ना बेला नहीं जाता, और इतना सा मैंने सफेद जीरा मैंने कूट कर डाला कुंडी में डाल रही। ये देखें, ये मैंने एक एक भर के और डाली। ये थोड़ा सा और डाल रही बस। ये दसना की ये ना क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। ये मैंने एक और भर के डाला मैं सॉरी, तो वो ना ज़रा समोसे और रोल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे ना, फिर ही मज़े के बनते हैं। अब इसको मैं पानी बिल्कुल नहीं लगा रही, इसको मैं सिर्फ घी ऑयल डाला और ऑयल के अंदर ही मैं भूंद रही हूँ अच्छी तरह। बना रही हूँ मैंने, ये ऊपर से घी लगाया था और ऊपर से मैंने ये शापर मेरा बिल्कुल नया है, ये मैंने इकट्ठे लेके आई हूँ और ऐसे मैं ढक देती हूँ ऐसे सूखे न।
पे। ये मैंने सॉस डाली हुई है ना उसके अंदर, रोल रोल बनाया हुआ, इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा। ये मैं देखो, मैं जो नीचे तैयार किया हुआ था ना, ये मैंने ऊपर फ्रीजर में रखा था, मैं कह जरा नरम ना हो जाए सख्त सख्त। अच्छी तरह बंद करना है, ये देखो ऐसे का। साथ थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी है। ये आप करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहेगा। और देखो इसकी शेप बिल्कुल अच्छी बन गई। आप पूरा सही डालें, मसाला ज़्यादा नहीं डालें, वो वरना फट जाएंगे। मसाला पूरा सही डालें, ज़्यादा नहीं डालना और वरना फट जाएंगे और अच्छी शेप भी नहीं बनेगी ऐसे। कांटे और ये मैं अब डाल दूँ। आराम से डालने हैं। ये देखो मैंने कितने अच्छे अब कितने अच्छे गोल्डन से बन गए। और इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल देखो बिल्कुल ना टूटे हैं ना कुछ, ना मसाला बाहर निकला। आप भी ऐसे करना। मैंने हल्की आंच की है और हल्की आंच से बनाना है, वो पकाना, वो अंदर से बिल्कुल कच्चे रहे। ये देखो कितने अच्छे हो गए, आप निकालने लगे। ये थोड़ा सा भी रहेंगे, मैंने हल्की आंच पे पकाए। थोड़ा सा गोल्डन हो गया। देखो कितने मज़ेदार और कितने क्रंची समोसे, पॉकेट समोसे मेरे बन रहे हैं। निकालने लगी इसको,
ये है पॉकेट समोसे। ये देखो अब मैं रोल करने लगी हूँ। ये देखो हमारे ये समोसे तो कंप्लीट हो गए। अब मैं ना पॉकेट समोसे बिल्कुल तैयार हो गए और मैंने रोल भी बनाया है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मेरी रेसिपी शेयर करना और लाइक करना। और मैं ये देखो तोड़ के भी मैं दिखाऊंगी अंदर से कितने सॉफ्ट है गए और कितने मज़ेदार। ये देखो ऊपर से क्रिस्पी और ये देखो रोल बहुत गर्म। ये देखो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी।